बकाया मानदेन को लेकर विगत 7 दिनों से नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध किया। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष निखिल कुमार सिंह ने कहा कि जब तक हम लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री से नहीं होती तब तक हम लोग मैदान छोड़ने वाले नहीं है। बकाया मानदेन का भुगतान अगर आगामी त्योहारों तक नहीं मिला तो शीघ्र ही ग्राम रोजगार सेवक आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भारी संख्या में विभिन्न जिलों से आए ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आजमगढ़ ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की धरती पर जनपद गोरखपुर में किसी भी की लगी, उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक किन कीड़ा को साते हुए इस नगर निगम अगर ग्राम रोजगार सेवकों की समस्या उपवास के बाद समाप्त नहीं होती है 10,000 मानव दिवस करने के लिए बाध्य होगा। मैं चेतावनी देता हूँ कि गोरखपुर का ये युवा जो अपने मेरिट के बल रोजगार सेवकों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का जो कुंठित प्रयास इस सरकार ने किया है उसके अगर देखते हैं रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। मंदिर के मेन प्रभारी श्री द्वारिका तिवारी जी द्वारा मुझे बताया गया है कि आपका संगठन 8-7 दिन से उपवास पर बैठा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके बात करने के बाद सुबह 8:30 बजे के बाद आपकी वार्ता कराई जाएगी। मैं आज LIU और प्रशासन के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अभी हमारे बनारस के एक साथी ने कहा कि निखिल सिंह ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। यही ग्राम रोजगार सेवक शक्ति का एहसास अभी गोरखपुर की सरजमी पर किसी अधिकारी को नहीं हुआ है। अगर आपकी मंशा यही है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, तो आप ये भी बता दो अगर आज निखिल सिंह अपने मोबाइल से मैसेज टाइप करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 37,000 ग्राम रोजगार सेवक इस नगर निगम की धरती पर पहुंचने का काम करेंगे। हम लोग ग्राम रोजगार सेवक यहाँ 10 अक्टूबर से बैठे हुए हैं, 10 नवंबर से, और हमारा यहाँ पर कार्यक्रम उपवास का जो है इसमें हम लोगों के साथ काफ़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं। जो 3,000 मानव दिवस के सृजन के लिए हमको निकालने की बात की जा रही है उसमें सामूहिक सबकी जिम्मेदारियाँ हैं और यह हमारे साथ एक जबरदस्ती का काम किया जा रहा है। हम लोग इसका प्रतिरोध करेंगे। हम 3,000 मानव दिवस गाँव में जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार अगर सृजित नहीं हो पाता है तो हम उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे, और अगर सृजन हो रहा है, अगर भौगोलिक परिस्थिति जहां अच्छी है वहां पर 10,000 तक मानव दिवस सृजन हो सकते हैं, और डबटेलिंग करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। डबटेलिंग न करने पर 3,000 मानव दिवस की जो लक्ष्य रखे गए हैं वह कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। हमारे मानदेय 24-24 महीने से बाकी हैं, सारे लोगों को मानदेय उनके वेतन समय से मिलते हैं, तो फिर हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? और हम लोगों को जो यहाँ पर सारे लोग हैं यह अपनी भूख और प्यास के लिए बैठे हुए हैं, इनका भविष्य भी खराब है, वर्तमान भी खराब है, और वर्तमान भविष्य संवारने के लिए हमको सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे काम जो है अच्छी तरह से हो और हमारे लोगों को न्यूनतम वेतन मान लागू किया जाए जो 24,000 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है वह हम लोगों का लागू होना चाहिए ताकि हम लोगों के भी परिवार, हम लोगों के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लें, हम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा हो जाए, हम लोगों के पास जो सारे लोग परेशान हैं उनको इस तरह से जो ताड़ना दी जा रही है वह ताड़ना देने का काम बंद किया जाए। माननीय योगी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यह अपील है कि हमारे साथियों के साथ भी न्याय किया जाए, हमको न्यूनतम वेतन मान लागू किया जाए और 3,000 का जो मानव दिवस का एक भूत सा निकला हुआ है इसको शांत किया जाए। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करेंगे लेकिन दबाव में 3,000 मानव दिवस के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि मनरेगा के कार्य बेहतर ढंग से हो और इस बेहतर के लिए हम लोग जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करेंगे। हम इस योजना के तहत हैं, हम इसके भले के लिए हमेशा सोचते रहेंगे, लेकिन दबाव से जबरदस्ती हम
को निकालने का कार्य नहीं होगा। इसमें सारे जो भी फंक्शन है सारे लोगों को एक साथ लगाया जाएगा। अगर ये लोग सारे लोग हाथ देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। विरोध हम लोग आज काली पट्टी बात करके सरकार के अपने साथ शोषण जो हो रहा है उसका विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारा कार्यक्रम 10 नवंबर से है और अनवरत जारी है। हम लोग उपवास पे बैठे हुए हैं। प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, आजमगढ़।